हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट गणित की आकलन कार्यपत्रक 4 करेंगे। डेट है इस वर्कशीट की 30 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट बच्चों। आज की वर्कशीट में है ये कार्यपत्रक 20 अंक का है। इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स का पेपर है बच्चों आपका ये, और 13 से 20 कार्यपत्रक पर आधारित है। तो पिछली जितनी वर्कशीट आई हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 99 मल्टीप्लाई 101, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसका आएगा 9999, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है -1 का वर्ग निकाल, तो -1 का क्या बनेगा, +1, ठीक है, सिंपल आप 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पैटर्न के आधार पर लुप्त संख्या बताइए। तो एक पैटर्न है इस क्वेश्चन में, तो आपको जो लुप्त संख्या है उसका आपको आंसर बताना है। तो देखो 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, एक ही का गैप है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब इसमें क्या बचा, 2 से 6 हो गया, मतलब 4 का गैप है, 6 से 12 हो गया, यहाँ पर 6 का गैप है, तो यहाँ पर कितना गैप हो गया, मतलब 2-2 बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 8 हो जाएगा। तो यानी 12 + 8 यानी कि 20 स्क्वेयर। तो बच्चों इसमें आप लिखेंगे 20 स्क्वेयर, ठीक है। तो वृंदा ब्लैंक्स में आप सिंपल लिख देंगे 20 स्क्वेयर आ जाएगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पैटर्न को पूरा करना है। फोर्थ क्वेश्चन 11 का स्क्वेयर 121, 101 का स्क्वेयर 10, 201, मतलब इस 10 को हमने रिपीट कर दिया आगे पीछे, और जो बीच में था उसको हमने 2 कर दिया। वैसे 1001, तो 100 बीच में हमने 2 लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे 1000, तो बच्चों 1000 हम यहाँ पे 1000 कर देंगे, इसको फिर पीछे से भी 1000 हो जाएगा, और बीच में हमने 2 लिख दिया, तो ये आंसर इसका ये लिख देंगे आप। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 90,000 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 90,000 का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं इसका आंसर हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप करेंगे 90,000, तो इसके आप पेड़ बनाएंगे, पीछे से हमने पेड़ बनाए, 9 अकेले रह गया, तो 3 3 9 9 हो गया, 2 0 हमने नीचे उतारी, फिर 2 0 नीचे उतारी तो नहीं जा रहा, तो हमने इसे 2 0 ऊपर लगा दी, तो आंसर आएगा इसका 300, ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इस प्रकार लिख लेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 3200 को गुना करने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो 3200 को आपको किससे गुना करना है, ऐसी संख्या से करना है जिससे गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन हम। तो इसमें बच्चे हम स्क्वेयर रूट निकालते जाएंगे 3200 का, हमने 2 से डिवाइड किया 1600, फिर 2 से किया 800, फिर 2 से किया 400, फिर 2 से किया 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5 5 ज़ा 1। तो इस प्रकार हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने इसको नीचे ले लिया, क्या क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, 2 2 2 2 2 2 और 5 5, मतलब 2 हमारा किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। तो इसमें आप लिखेंगे 3200 को 2 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। तो आपको इसका हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश में था, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे इस वर्कशीट का। तो क्वेश्चन नंबर 7th, वह पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। तो आपको पाइथागोरस ट्रिक बताना है, तो एक और एक डिजिट हमें ये 10, तो देखते हैं इसके बाकी हम। तो पाइथागोरस ट्रिक के लिए हमें 2m दिया गया, 2m इज इक्वल टू 10, तो m कितना हो गया बच्चों 5, क्योंकि 2 नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो 5 हो गया। तो सेकंड हम क्या करेंगे, m² - 1, तो m² - 1 कितना हो जाएगा 5² - 1 यानी कि 25 - 1 = 24। वैसे अगर हम निकालेंगे m² + 1, तो m² + 1 कितना हो जाएगा 5² + 1 25 + 1 = 26। तो ये आपको पाइथागोरस ट्रिक क्या बन जाएगा, इसमें आप 10, 24 और 26 इसमें लिखेंगे, आप हिंदी में लिख लेंगे आप इसको पाइथागोरस ट्रिक। बस आपको इतना फर्क है ना, पाइथागोरस ट्रिक लिख के आप ये लिख देंगे, ये आपको इंग्लिश वाला नहीं लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7th है बच्चों। 8th क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 8th है, 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 0.9 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो 8th क्वेश्चन है 0.9,
तो 0.9 के पहले हम पेयर बनाएंगे 90 00, क्योंकि हमें 3 डिजिट तक चाहिए, तो इसमें हमने उसी हिसाब से 00 यहाँ पे लगा दी। तो 0.919 था, तो पहले हम 0 लगा दें क्योंकि 0 पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो 0 लग जाएगा। फिर 90 को हम, हमें नीचे में एक डिजिट लेके ना, जिसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 90 से छोटा है, तो हमने 9 से किया 81 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 9, 2 00 हमने उतार ली, तो 9 का डबल कितना बचा 18। 18 को हमें किससे मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे भी डिजिट रखेंगे तो हमने किया 4 से, तो हमारे पास गया 736। 736 हमने यहाँ पर रखा बच्चों, माइनस किया 164, तो 0 हमने ऊपर से उतारी। फिर हमने क्या किया, 94 का डबल किया, 94 का डबल करने पर कितना आ गया बच्चों 188। तो अब यहाँ पे भी एक डिजिट रखेंगे, यहाँ पे भी एक डिजिट रखेंगे जो कि 1600 से छोटी आई, तो यहाँ पे हमने रखा 8, यहाँ पे अपने 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आई 1510 04। तो यहाँ आपने 8 लिखा, यहाँ पे भी 8 लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1296। तो इट मीन्स हमारे पास स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.9 का, 0.948। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। 9th क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन है, संख्या 356 का वर्गमूल का अनुमान लगाकर ज्ञात करें। तो आपको 356 का वर्गमूल निकालना है, लेकिन वो अनुमान से निकालना है, तो आप लिखेंगे बच्चों इसमें, तो 9th क्वेश्चन में आप लिखेंगे 356 जो हमारा 18 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा और 19 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, यानी कि 18 का स्क्वायर कितना 324, 19 का 361 बच्चों। तो इन दोनों का गैप अगर हम देखेंगे, ये लाई करेगा बच्चों हमारे पास 32, और ये इसका बीच में गैप कितना 5, तो किसके ज़्यादा नज़दीक है बच्चों, ये 361 के, यानी कि ये इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों 19। तो इसमें आप लिखेंगे 356 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 19 बच्चों, ये हमारा अरमान से हमने बताया, तो इसका आंसर होगा 19। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम इस वर्कशीट का। 10th क्वेश्चन है, इस वर्कशीट का एक भाग में 2601 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या आपको 2601 पौधे लगाने पार्क में, और उसमें इतने ही पौधे आपको लगाने हैं एक पंक्ति में जितने की पंक्ति हो, अगर 3 पंक्ति है तो हर एक पंक्ति में 3 पौधे लगेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन हम। तो 10th क्वेश्चन में आप लिखेंगे 2601 55 25, 1 बज गया 101 हो गया, ऊपर से हमने 01 उतारा तो 5 का डबल कर दिया हमने 10, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आ जाएगा, तो यहाँ पे 101 लिखा, ऊपर हमने 1 लगा दिया।